वेरी गुड इवनिंग। शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं। मैं आई हूँ बाहर, मोर भी बोल रहा है, फोटो खींचने के लिए अंदर जाके बनाते हैं चाय। और आज मैं सूट डाल के हो गई हूँ तैयार। पता नहीं क्या होता है, जब मैं ससुराल जाती हूँ तो मैं जीन्स पहन लेती हूँ, ऐसे कभी कभी मेरे अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे सूट पहनना है। आज हो गया तैयार, हम 5 बजे जाएंगे मंदिर, अभी चाय बनाते हैं। और नाश्ते में फिर लंच में क्या बनाना है, फिर शाम को क्या बनाना है, इसका बहुत 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 कन्फ्यूज़न रहता है। जस्ट अभी क्लास लगा के आई, उसके बाद मैंने फटाफट नहाई, क्योंकि फिर एक को सिद्धार्थ के पास रहना पड़ता है। एक तैयार होने के बाद ना शाम को चाय ना मिले तब तो फिर ऐसे अधूरा अधूरा सा लगता है। और ये भी आ गए तो मैं भी चाय बना रही थी, और आंटी आ गए बहुत दिनों के बाद। मैंने बताया था ना उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, आंटी की एक्सीडेंट हो गया था, तो आज वो मिलने आए थे। सब लोग आए बैठे, फिर मैं आंटी का वेट कर रही थी, उसकी लड़की आ गई पहले, बोल रही दीदी बस मम्मी आ रहे हैं बाहर से, तो मैं उनका वेट कर रही थी। और मैं कहा जल्दी जल्दी आएँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे आंटी से मिले नहीं थे। और चाय पी रही थी बैठ के, बातें कर रही थी। वैसे तो मैं नीचे बैठी हुई थी, बट मैं थोड़ा ऊपर बैठ गई क्योंकि नीचे ना झाड़ू लगाना था। और प्रीति सिद्धार्थ को लेकर थोड़ा बाहर गई थी। उसके बाद मैंने शाम को की पूजा। खूब सारी गप्पे मारी, आंटी भी बैठ गई, लड़की भी आ गई, आंटी की बेटी। तो मैंने सोचा आज कद्दू बनाते हैं और ब्रोकली, क्योंकि भारत बोल रहे थे कद्दू बनाना। बस वो चाय पी के निकल गए, सिद्धार्थ से मिलने शाम को आ जाते हैं। बच्चे से ऐसे होता है ना प्यार सा मिलने, ऐसे मेरे से मिलने भी आ जाते थे। आपको याद होगा जब हम ब्लॉग बनाते थे, और मैं कह चल मैं थोड़ी देर बाहर जाके इंस्टा रील बनाते, मैंने इंस्टा पे रील बना के डाली। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, चाय की दीवानी प्रियंका। बट मैं सब चीज़ें खाती हूँ, हरी सब्जी। अभी कल भी ब्रोकली खाया था, बहुत टेस्टी बनी थी, इसलिए मैंने सोचा आज फिर से ब्रोकली बनाती हूँ। और बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी होती है, बस उबाल के तवे पे हल्का सा देसी घी लगा के, पनीर लगा के बना लूँगी। कद्दू पतला पतला काट लिया, और नॉन स्टिक की कढ़ाई में नहीं बनाना है कद्दू, आज ईस्ट पे बनाना है, जो लोहे की कढ़ाई। आज मैंने तेल बहुत ज़्यादा डाला है, मस्टर्ड ऑयल। क्यों ज़्यादा डाला है इसका एक कारण है, क्योंकि कद्दू किसी और को भी खाना तो बोले थे थोड़ा तेल डाल देना कद्दू में, क्या चल ठीक है डाल देते, अदरवाइज आपको पता है मैं बहुत बहुत कम तेल इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कद्दू नहीं खाना, बस इनके लिए बन रहा है, और इनके जिन्होंने मांगा है उनके लिए बन रहा है। तो तेल डाल के बनाया कद्दू, इसमें डाला है प्याज, टमाटर, हरा धनिया, लहसुन वगैरह सब कुछ मिक्स करके। तड़का जो लगता है ना उसका स्वाद ही अलग होता है। और क्या होता है ना जब कद्दू बनाते हैं ना, तो कद्दू मेरी सासू माँ ने बताया था मेरे को कि ना सूखी सब्जियों को आप मस्टर्ड ऑयल में बना के देखो, एंड जो ऐसे तरी वाली सब्जी उनको रिफाइंड में बना सकते हो। पर कुछ लोग बोलते हैं देसी घी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं तो कोई भी घी यूज़ नहीं करती। बट आपको एक थोड़ा छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आप सूखी सब्जियाँ होती हैं ना जो उनको मस्टर्ड ऑयल में बनाते हो तो वो बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पे मेरा कद्दू एकदम बन गया, थोड़ा सा मैंने पानी डाला इसमें। मैं यार मैं ना भूल जाती हूँ भिंडी कद्दू करेले बैंगन में ये पानी डालना है कि नहीं डालना, मैं अपने ना स्वाद के अनुसार पानी डाल देती हूँ। प्रीति भी तड़का लगाती है, बट प्रीति भी सिद्धार्थ को पकड़ लेती है, थोड़ा बाहर जाना पड़ता है कि तड़का ना कई बार चढ़ने लग पड़ता है, तो फिर मैं ये कर लेती हूँ या फिर मैं सिद्धार्थ पकड़ लेती हूँ। पर प्रीति बोलती तू ना अपने हिसाब से बना सब्जी, मैं सब्जी नहीं बनाऊँगी। बना लेती कभी कभी, लेकिन मोस्टली मैं ही बनाती हूँ। और इनको ना बिना छिलके वाला कद्दू अच्छा लगता है, तो मैं इसको थोड़ा मैश कर रही हूँ। कद्दू पक गया, बहुत टेस्टी बना, बहुत डिलीशियस बना, थोड़ा तेल वाला है, पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी खाना भी बनता है तेल घी। और आज की कल प्रीति ना देसी घी लेके आई है, तो वो मैं सोच रही थी इनको चपाती होगा ना देसी घी लगाऊँ। प्रीति कह रही बटर नहीं, अब हम ना देसी घी यूज़ किया करेंगे चपाती पे लगाने। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा मैंने इस पे देसी घी डाला है। मैंने कहा चल मेरी बहन लेके आई है तो थोड़ा डालना भी बनता है देसी घी के साथ, थोड़ा इसको ब्रोकली पनीर को थोड़ा है ना वो कर लूँ, हल्का सा फ्राई, हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा लगा के फ्राई करना है। और ना मतलब विश्वास नहीं करोगे आप, इसमें थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ा सा लेमन, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा प्याज, इतना टेस्टी बनता है, इतना क्रंची क्रिस्पी बनता है, आप सोच नहीं सकते हो। मॉर्निंग हमारी बन रही है सुबह की चाय, और चाय के बिना दिन की शुरुआत मतलब ऐसा लगता है इम्पॉसिबल है, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने काटी है टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची। आज बनानी है मूंग की दाल, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। संडे आज मैं इसमें पोहा बना होगा जलेबी, लेकिन मन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने चाय बनाई, प्रीति को चाय दी और हम खेल रहे थे, और इनको ये मेरी और इनकी चाय, और इनको चाय दी। हाँ जी मैं खाने लेने आपको।
नाश्ते के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्राउन ब्रेड और पनीर मैंने मंगवाया है कि वो बनाऊँ, बहुत दिन हो गए बनाया नहीं है। थोड़ा सा बटर लगा के ब्राउन ब्रेड हमने लिए लतिका के। ये लतिका ना पहले मुझे पता नहीं था, फिर एक दिन मैंने व्लॉग में बोला तो मैंने पढ़ा कि ये लतिका ना कानपुर में ही है, और मैं प्राइस चेक कर रही थी और इसकी एक्सपायरी डेट जैसे तो आज ही ख़त्म कर देंगे हम, फिर भी मैं चेक करती हूँ। पनीर भी लिया है और ये सामान मैंने काट के रख लिया। पनीर को इस तरह से कर लिया और थोड़ा सा देसी घी लगा के ब्रेड को गर्म करके बहुत टेस्टी लगता है। और दूसरी साइड मस्टर्ड ऑयल में मैं लगा रही हूँ तड़का दाल को। मूंग की दाल आज बनाई है, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं, रोज़ होता है ना ऐसे, तो मैंने इसलिए बना दिया। अभी दो दिन से हम कंटिन्यू तेल वाली चीज़ें खा रहे हैं, मतलब मैं नहीं, ये सब मैं एक दो ब्रेड खाऊंगी पनीर के साथ। उसके बाद इनको दिया मैंने, और क्या कर रहे हो, खिला रहे हो, इसको शेयरिंग की आदत पड़ गई है ना। और फिर मैंने प्रीति को गर्म किया, इनको गर्म किया, सिद्धार्थू को किया। सिद्धार्थ बहुत मस्त चीज़ें खाते हैं, किन्नुआ भी इसको अच्छा लगता है, इसको एवोकाडो भी अच्छा लगता है, इसको ब्लूबेरी है ना, राइस मखाने राइस बहुत अच्छे, और ब्लूबेरी जैसे ही लाते हैं। और यहाँ पे मैंने लगा दिया तड़का, अभी बस आज इसका तड़का लगाएंगे तेल वाला, कल से दो तीन दिन बिना उसके बनाएंगे, इस तरह से चल पड़ता है। और आटा प्रीति गूंद रही है, चांदी बनाएगी रोटी, मैं भी चावल सामान समेट रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है फटाफट से काम निपट जाए तो ठीक है, बट है तो संडे आज, पर फिर भी इनको जाना है 11:30 के अराउंड ये चले जाएंगे। और दूसरी साइड रख दिए हैं चावल, और ये मेरे आज बहुत रूटीन उल्टा पुल्टा हो गया, तो दालचीनी वाला पानी बाद में बन रहा है। मैंने दो प्लेन स्लाइसेस होते हैं ना ब्रेड के, वो खाए पनीर के साथ। और ये इनकी चपाती है, प्रीति की रोटी पैक हो गई है, पैक करके रख देती हूँ। और ये राइस है जो कि बना के रख दिया, और इनका खाना पैक हो गया, मूंग की दाल चावल चपाती, ये इनका लंच है। और ब्रेकफास्ट हमारा ये ब्रेड वाला हो गया, और देखते हैं अभी शाम के लिए क्या प्लानिंग है, कैसे क्या रहता है यार। तीनों टाइम सुबह क्या बनाए, शाम को क्या बनाए, दोपहर को क्या बनाए, ये क्या बनाए, वही दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। लोग कहते हैं यार सारा दिन करती क्या है, मुझे लगता है यार मैं बस टाइम ही नहीं बचता, फिर 2-2.5 घंटा मेरा वॉक पे जाता है कंटिन्यू, तो इस तरह से दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और ये मेरा सिनेमन का पानी रेडी हो गया, इसको थोड़ा सा ठंडा करके मैं पीऊँगी, उसके बाद हाफ एन आवर के बाद मैं जाऊँगी वॉक करने के लिए। हाँ जी, यहाँ पे पिंपल देखो, अभी मैंने अपनी डाइट में चेंजेस किए, ब्रोकली खाना शुरू किया है और ब्लूबेरी, तो मुझे नहीं पता कौन सा रूटीन सूट नहीं किया जो मुझे पिंपल हो गया, क्योंकि पहले वाले रूटीन से बिल्कुल पिंपल नहीं होता। लोग बोलते हैं बॉडी शॉप के प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, जब बंद कर दी यूज़ करना तो फिर से पिंपल स्टार्ट हो गए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो अभी हो गया ना पिंपल, तो मैंने तो प्रोडक्ट यूज़ करने बंद नहीं किया। मैंने अपने लिए बहुत अच्छा कुछ मंगवाया है घर के लिए, तो वो आज आ रहा है पार्सल। आई डोंट नो कि उससे पहले ये व्लॉग एंड हो जाएगा या फिर व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपको जरूर दिखाऊंगी। और मैंने अपने बालों पे लगा लिया तेल, मेरे गले की ना गला खराब नहीं है, पता नहीं मेरे को। ये जो मिरर पड़ा है ना पीछे, इसको भी सेट कराना है। और आज उठे थे सो के 8:30 बजे और लड़की आई है 9 बजे। आज का जो रूटीन है ना थोड़ा डगमगा गया, 12:15 रह गए हैं और स्टिल हमारा कोई काम प्रॉपर तरीके से फिनिश नहीं हुआ। हाँ, ब्रेकफास्ट लंच कंप्लीट हो गया, बट सफाई बची है, बेडशीट चेंज करनी है, कपड़े धुलने को लगाने हैं, उधर गैस पूरा साफ करना है, लेकिन मैं आराम से बैठ गई, बैठे हुए मैं चल थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ। मैं तो इतनी जल्दी से काम फिनिश हो जाएगा, गैस साफ हो गई, चाय बन गई, और ना आज एक बहुत ही अच्छी वाली चीज़ हुई थी, एक पार्सल था बहुत ही क्यूट वाला, वह प्रीति का आया था, उसकी खुशी में बस चाय थोड़ी ज़्यादा हो गई, बाकी सोचा नहीं था जल्दी काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरा वर्कआउट स्टार्ट हो गया। टुडे वॉज रियली अ गुड डे, हर रोज़ यही बोलना चाहिए और डेफिनेटली आपका होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे दिन को अच्छा बनाने में हमारा खुद का हाथ होता है। जब हम चाहते हैं वैसे सब चीज़ें हों, दिन की शुरुआत वैसे हो, तो दिन बहुत अच्छा जाता है। सिद्धार्थ घर पे सो रहा है, मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, दूध वैसे पास में मिल सकता था, मैं चल थोड़ा दूर चले जाती हूँ। और जैसे ही वो सोया मालिश वाली आंटी आ गई, तो मैं आराम से जाना प्रीति की मालिश कर देना। सिद्धार्थ तो सो गया आज, बालों में ना मैंने तेल लगाया था सुबह सुबह, तो बड़ी चिप 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 सी होती है, बड़े अजीब से बाल लगते हैं। आय हाय, झोला कितना सुंदर लग रहा है वैसे देख के मुझे बड़ा सुंदर क्यूट सा लग रहा है। और देखो मैं इस तरह से माइल्ड वॉक करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सामान भी घर का खुद लाना, छोटी छोटी चीज़ें करना, तो मेरी वॉक शाम तक इतनी सारी कंप्लीट हो जाती है। मौसम आज देखो कितना सुंदर लग रहा है कि एकदम ठंडा है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ना आपको एक बात बताऊँ, ना जैसे कि हम अंदर रहते हैं आई आई टी के अंदर लाइफ बहुत डिफरेंट है, अगर यही हम बाहर रहेंगे तो क्या होता है,
कि सिक्योर तो होती है बट नाइट लाइफ नहीं है। जैसे भारत अगरला में काम कर रहे हैं कुछ भी है तो मैं अगर पे अकेले हूँ तो उनको कोई चिंता नहीं है, है ना। अगर हम IIT के बाहर घर लेके रहेंगे, आपको इस बात का बताने का मतलब यह है कि हम IIT के बाहर घर लेने का सोच रहे हैं। एक बार पहले भी हमने सोचा था, क्या होता है कि मेरे मदर इन लॉ भी बोल रहे थे कि उनको आना है ना, तो ऐसे नहीं मतलब वो बोल रहे थे, मैंने बोला मम्मी आप आओगे, और देखा IIT में वॉक करने का मज़ा, नेचर को देखो कितना सुंदर लगता है। पहले मैंने सामान ले लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि पूरी बात क्या है। हम लोग आ गए शॉप पे, अब याद आया कि चावल, एक एक किलो चावल लेके आती हूँ, फिर चावल खत्म हो गया, चावल लेने लंबा चावल बने, कौन सा होगा, क्या है इसका नाम, सुपर दिखाना, इंडिया गेट, ठीक है दे दो, हाँ लेने आए थे दूध और ले लिया सामान। ये मैगी ये बहुत खाती है लड़की, तो उसके लिए लिया मैंने, कभी कभी इसको ना, कभी कभी तो रोज़ ही इसको मन करता मैगी खाने का, चॉकलेट खाने का, आइसक्रीम खाने का। मैगी बिल्कुल पसंद नहीं है, और प्रीति भी खाती है मैगी, ये भी खा लेते हैं, सिद्धार्थ तो भी थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं, पर सिद्धार्थ ना हेल्दी चीज़ें बहुत खाता है, मतलब ऐसा हमको लगता था कि शायद बच्चा नहीं खाएगा, जैसे मखाने हो गया, कीवी हो गया, किनुआ हो गया, राइस हो गया, रोटी हो गया, सब मतलब बहुत अच्छे से खाता है। प्रीति ने उसको सारी चीज़ें खाने को सिखाया, बस ओट्स नहीं खाता, बट एक दिन ओट्स कोकोनट पे बनाए थे तब उसने खा लिए थे। हाँ जी, तो बात ये है कि आज जल्दी चांदनी ने ना, मैंने ये भी 5 किलो के राउंड है इसमें सामान है, तो उसका 5 किलो का थैला उठाया हुआ है। आज तो बहुत ही वर्कआउट होगा, 5 किलोमीटर की सैर होगी, सुबह मैंने 3 ऑलरेडी कर लिया। पिंपल देखो मेरा कितना बड़ा होगा, पता नहीं क्यों होगा, शायद स्वेटिंग की वजह से या फिर मैंने चाय ज़्यादा पी है, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी जो हुआ, तो कोई बात नहीं, हो जाता है, बहुत दिनों के बाद हुआ है ना इसलिए थोड़ा बता रही हूँ आपको। मैं बोल रही थी ना, मेरे मदर इन लॉ बोल रहे थे कि, मैंने उनको मम्मी आपने आना है, तो कह रहे आऊँ कैसे मैं, तो मैं समझ गई इनका मन है आने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ, तो मैंने बोला मम्मी जब आएंगे हम प्रीति को छोड़ने, एक्चुअली क्या है प्रीति को यहाँ पर अच्छा लगता है, तो बस ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलना चाहती उसके बारे में, लेकिन मैंने भारत में सोचा, मेरे मदर इन लॉ मम्मी कहते मैंने पर 10-15 दिन रुका, तो मम्मी ऐसा तो नहीं होगा मैं आऊँगी आपको हम लेके जाएंगे, तो 10-15 दिन के बाद फिर छोड़ने जाऊँ, है ना, मतलब 1.5-2 महीना तो रहो ना एटलीस्ट, तब बेवा बाकी फिर ऐसे ऐसे। तो भारत बोल रहे क्यों ना हम बाहरी घर ले लें, है ना, जैसे पहले हमारा बाहर था, तो उसमें क्या होगा ना कि मैनेज हो जाएंगी सारी चीज़ें, जैसे प्रीति मेरे साथ रह सकती है, अभी तो मौसम भी अच्छा हो गया, AC की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो है मतलब 1-1.5 महीने तक मौसम अच्छा हो जाएगा, तो हम ये सोच रहे थे यहाँ पे हम पहले रह रहे थे कि वह या वहाँ पे या फिर कुछ ऐसे ले ले, बट प्रॉब्लम ये कि IIT जैसी लाइफ को पता नहीं अभी क्या करना है। पहले भी मैंने देखा था, क्योंकि प्रीति ने हमारे साथ रहना था, मेरी मदर इन लॉ रहेंगी नहीं, बट उनको 10-15 दिन ऐसे होता है, फिर मैं फिर मदर इन लॉ को छोड़ने जाऊँ, ये तो नहीं जा पाएंगे इतना, ये जा सकते हैं लेकिन 2-2.5 महीने के बाद, मतलब ऐसे घर जाना होता है। तो अभी रक्षाबंधन पे गए थे, बस वो तो एक दिन के लिए गए थे, तो ना आप लोग बताना नीचे, कुछ सजेशन देना हुआ तो मुझे देना कि क्या करना चाहिए, नहीं तो फिर मैं ही उधर को शिफ्ट हो जाऊंगी, क्योंकि हम प्रीति को अकेला नहीं छोड़ना चाहते बिल्कुल भी, और बस उसको कुछ अपनी ज़िंदगी में वो करे प्रोडक्टिव, है ना, और यहाँ पे वो एकदम बिजी रहती है, वहाँ पे मम्मी तो है, दीपू भी है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करना चाहती डिटेल में, लेकिन आपको ऑलरेडी पता ही होगा, है ना, तो ये हम सोच रहे हैं, बाकी फिर ऐसा होगा प्रीति और मैं हम लोग साथ में रह लेंगे। भाई मेरे तो सांस फूल गई, दे अब ये तू उठा ले कि मैं उठाती हूँ चेंज कर करके, बता कौन सा भारी है, चलो बता कौन सा भारी है, कोई नहीं भारी है, अच्छा दो इधर, अरे नहीं 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 एक मिनट, नहीं 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 लड़की इधर को चल ना, बीच में चल रही है, इसको गार्ड से डांट पड़ी है, मैं कहा पहले सोच लो कंफर्म कर लो रहना और हम घर ले लें, ये लोग भी ना रहें तो हमारे दोनों के लिए तो सही है ना, मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। सो आज हो सकता है नहाने के बाद हम लोग जाएँ बाहर देखने के लिए घर, प्रीति तो बोल रही है कि नहीं वो रह लेगी, और कह रही मेरा हिमाचल जाने को बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं रहूँगी, अगर जाना हो तो तेरे साथ जाया करूँगी, तेरे साथ ही वापस आ जाया करूँगी, तो ये हमारा प्लान है अभी का,
तो बाकी देखते हैं कि एक बार हमने अगर IIT अंदर से छोड़ दिया देन वी विल नेवर गेट बैक द सेम होम। मैं चाहती हूँ प्रीति को दुनिया की हर एक खुशी और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करे ताकि उसको ठीक है व्लॉगिंग करे लेकिन उसको ये नेगेटिव लोग अट्रैक्ट ना करें, वो बिल्कुल भी नेगेटिव बात के बारे में। जी हम लोग आ गए घर पे। इसी के साथ ही मेरा आज का व्लॉग था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग नीचे कमेंट करके बताना और किस तरह से हम प्रीति का ध्यान रख सकते हैं। ध्यान मीन्स उसको एक अच्छी डायरेक्शन में डाल पाऊँ, वो कुछ अच्छा कर पाए, कुछ कोर्स कर पाए, कहीं बिजी हो जाए, ठीक है व्लॉगिंग है पर उसके अलावा भी कुछ करे, उसकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाए, नेगेटिव चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। मैं तो बहुत बोलती हूँ कि नहीं सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, बट जैसे सिचुएशन होती है ना बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो बस वही है कि बस वो बिजी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, आप भी वॉक करते रहो, छोटे छोटे काम करते रहो। अभी चाहती तो मैं गाड़ी लेके जा सकती थी, मैं बाय वॉक गई तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा बहुत आया। वॉक भी कम्प्लीट हो गई, स्टार्ट तो भी सो गया, घर का काम भी खत्म हो गया और इस व्लॉग को भी इधर ही एंड करते हैं। बाय बाय। विम मैगी चीनी टूटी तुझे खानी है मैगी? धीरे बोले सिद्धार्थ। और आटा का तो हो गया था मेरा, ये वाला आटा लाए हम 5 किलो चावल, 1250 ग्राम। ये ना लंबा बनता है चावल, पता आपको बहुत लंबा बनता है चावल।